पे कि भाई हम लोग है ना कुरानदाजी कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने ये गेम भी काफी किया था, दराज पढ़ना। एक हम लोगों ने बाउल ले लिया था, बाउल के अंदर जितने लोग लाइव हो रहे थे ना, एक बंदा बैठा हुआ था, उसके नाम लिख के बाउल के अंदर डालना था नाम, ठीक है ना। अब वो बंदे को पता चला कि भाई, हमने बोला कि भाई इसका इनाम निकलेगा, इसका इनाम निकलेगा, जिसका भी नाम निकलेगा हम उसको है ना बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह करके लोग उसमें भी वो कर रहे थे, क्या कहते हैं उसको, कुरानदादी में शामिल हो रहे थे। जो शुरू में बंदा आया वो लीव नहीं कर रहा था हमारी लाइव चैट को, हमारी लाइव चैट को लोग देख रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह लोगों को फायदा हो रहा था, इस तरह मतलब इन दी एंड हमें ही फायदा हो रहा था, हम अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ा रहे थे, ठीक है ना। इससे क्या होता है, मैं आपको बता दूं, देखो 100 लोगों ने आके प्रोडक्ट बाय नहीं किया, लेकिन प्रोडक्ट को एड टू कार्ट कर दिया। अब जब प्रोडक्ट एड टू कार्ट होता है तो एल्गोरिदम देखता है कि यार इस प्रोडक्ट में कुछ तो है, कि कस्टमर ज्यादातर एड टू कार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और डायरेक्ट इसी प्रोडक्ट को कर रहे हैं और दराज लाइव के थ्रू कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जब प्रोडक्ट आपका एड टू कार्ट हो जाता है तो आप फेसबुक यूज करो जाकर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप खुद जाओ दराज पर, 5-6 प्रोडक्ट है ना एड टू कार्ट कर दो जाके, ठीक है ना। फिर आप देखोगे दराज, आप जब भी फेसबुक यूज कर लोगे दराज आपको वही प्रोडक्ट रिटर्न दिखाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट आप आके बाय कर लो। फिर आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे होगे, ठीक है ना, तो वहां पे आके आपको दिखाएगा गूगल एड्स के जरिए दराज कि भाई ये प्रोडक्ट आपने एड टू कार्ट किया हुआ है, इसको आप बाय कर लो, ठीक है ना। तो इसी तरह आपने एड टू कार्ट करवाया अपनी लिस्टिंग में, उससे ये फायदा हुआ दराज लाइव से कि आप दराज की दराज क्योंकि आपसे चार्ज करता है कमीशन, तो वो कमीशन डायरेक्ट अपने जेब में नहीं डालता, आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर भी खर्च करता है। तो वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर जब खर्च कर रहा है तो आपकी कन्वर्जन रेट उससे बढ़ती है, ठीक है। दराज लाइव, जहां पर दराज लाइव का जो बंदा है उसका नंबर भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उससे आप कॉन्टेक्ट करके अपने स्टोर की दराज लाइव भी करवा सकते हैं।